उत्तम नारी श्राप बस। विश्वामित्र जी ने बताया कैसे अहिल्या पत्थर बन करके, शिला बन करके यहाँ पड़ी हुई है। सजनों, अहिल्या माता कौन है जरा ध्यान से सुनना। अहिल्या माता कौन है? बोले अहिल्या माता ब्रह्मा जी की बनाई हुई वो सुंदरता की मूर्ति है जिसके लिए इंद्र लालायित रहता था। देखो हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा मैंने सुंदरता को दुनिया में बिखेर दिया, पर पूर्ण सुंदर किसी को नहीं बनाया। दुनिया में पूर्ण सुंदर कोई नहीं है। आप कभी देख लेना, अगर किसी की नाक सुंदर है तो आंखें गड्ढे में चली गई या मोटी मोटी हो गई, सुंदरता खराब। और अगर किसी की आंखें सुंदर भगवान ने बनाई है तो नाक इतना मोटा लगा दिया कि सुंदरता बेकार हो गई। अगर नाक और आंख सुंदर कर दिए तो इन गालों को या तो पिचका दिया और या फुला दिया, सुंदरता खराब। चलो ये नाक आंख ये सब सुंदर बना दिए तो ये होठ या तो मोटे मोटे बना दिए, होली के वो गोल गोल बनते हैं ना उपले, उसके क्या बोलते हैं उनको, ऐसे मोटे मोटे होठ कर दिए महाराज, सुंदरता खत्म। चलो ये होठ भी सही है, नाक भी सही है, आंख भी सही है, गाल भी सही है, तो ये दांत इतने लंबे लंबे कर दिए महाराज, लोग बाहर निकाल दिए, बनो सुंदर कैसे बनो। और अगर ये सारी सुंदरता बना भी दे, दांत भी सुंदर, सब कुछ सुंदर बना दे, तो कोई न कोई मस्तक तिल कितना बड़ा यहाँ ये एले लगा दिया चेहरे के ऊपर, ले बेटा बन सुंदर कैसे बनेगा। पूर्ण सुंदर किसी को नहीं बनाया। ये अलग बात है, हम अपने आप को सुंदर ही मानते हैं कि हम जैसा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, चाहे कितना भी खराब चेहरे वाला हो वो भी ये सोचता है कि बस 10 मन तेल लगा के सर में और एकदम वो भी ये सोचता है मैं दिख रहा हूं सबसे सुंदर, वो भी ये सोचता है। पर पूर्ण सुंदर कोई नहीं है संसार के अंदर मेरे भैया। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया सारी सुंदरता एक जगह इकट्ठी कर दूं तो कैसी लगेगी, और सारी सुंदरता को एक जगह इकट्ठा किया, उसका नाम हुआ माता अहिल्या। और उस सुंदरता की मूर्ति को जब इंद्र ने देखा तो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी इसके साथ हमारा विवाह करा दो। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा इंद्र के पास में इतनी अप्सराएं हैं फिर भी ये कभी जिंदगी में तृप्त नहीं हुआ, इस देवी का इससे विवाह कैसे करा दूं? इसका विवाह तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति से कराऊंगा जो जितेंद्रिय होगा। अब इंद्र को उन्होंने एक बार ऐसे बोल दिया, हाँ ठीक है देखेंगे, अभी तो पैदा हुई है, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे फिर बात करेंगे, ऐसी टाल दी बात को। और सजनों उस कन्या का विवाह कर दिया गौतम जी के साथ। इंद्र को इस बात का पता चला, अरे मेरे साथ में छल, मैंने कहा था विवाह कर दो तो विवाह नहीं किया, और गौतम जी के साथ में विवाह कर दिया, मैं बदला लूंगा। बस और कोई दुश्मनी नहीं थी अहिल्या माता जी के साथ में, और कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी कभी बदले की आग में हम सजनों कुछ ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा कर जाते हैं कि जिंदगी भर हमारी थू 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 होती रहती है महाराज, गांव में थू थू होती है बदले के चक्कर में। और इंद्र बदला लेने के चक्कर में आप सब जानते हो कैसे गौतम का वेश बना करके आया। लेकिन आज भी जब महाराज इस कथा को कहा जाता है तो इंद्र की निंदा ही की जाती है, प्रशंसा नहीं की जाती। कभी कभी सजनों हम जोश में अपना इतना होश गंवा देते हैं कि ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि वो कार्य तो कुछ समय का होता है लेकिन जिंदगी भर गालियां हमको सुनने को मिलती है। इसलिए भैया कोई भी कार्य करने से पहले सोचो, बात को तोलो, फिर मुंह खोल के कुछ बोलो, क्योंकि जब तक कोई बात हमारे मुंह से नहीं निकले तब तक वो बात हमारे बस में है, और मुंह से बात निकल गई तो फिर वो हमारे बस में नहीं है, हम उस बात के बस में हैं। क्योंकि दुनिया वाले बात को पकड़ते हैं, तुम चाहे कितना भी कहो हमारा मतलब वो नहीं था, हमारा दिल साफ है, तुम्हारे दिल को देखने कोई नहीं आता कि साफ है कि नहीं है, तुम्हारी बात को देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए
मुंह खोलने से पहले बात को तोलो, उसमें वजन कितना है, फिर मुंह खोलो, फिर कुछ बोलो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और सजनों, इंद्र की एक हरकत के कारण बिचारी अहिल्या माता को पत्थर होना पड़ा। और आपको पता है क्या, हनुमान जी के नाना नानी कौन है मालूम है कि नहीं है? हनुमान जी की नानी है अहिल्या माता, अंजना माता अहिल्या की पुत्री है, और नाना हो गए गौतम जी। गौतम जी अंजना माता के पिता हैं। बानर मुखी क्यों हुई कि जब गौतम जी ने आके पूछा, बोल बेटा तूने क्या देखा, अब बेचारी बेटी क्या बोले, कभी माँ की तरफ देख के, कभी बाप की तरफ देख के, कभी माँ की तरफ देख के, कभी बाप की तरफ। अब पिता तो क्रोध में थे, और क्रोध में महाराज आदमी होश में नहीं होता है, तो क्रोध में आकर के कहा, क्या बानरी की तरह इधर उधर देख रही है, जा तू बानर मुखी हो जा, श्राप दे दिया। और अहिल्या को कहा, क्या पत्थर की तरह खड़ी हुई है, और तो एकदम सन पत्थर, जा तू पत्थर हो जा। सजनों, शरीर तो पत्थर का हो गया, लेकिन अहिल्या माता की चेतना पत्थर की नहीं हुई थी, ध्यान देना बात पर। अहिल्या माता की चेतना पत्थर की नहीं थी, मक्खी भी बैठती थी तो एहसास होता था, ठंडी गर्मी का एहसास होता था, लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी। अगर चेतना भी पत्थर की हो जाती तो फिर श्राप कैसा, कष्ट कैसा, दुख कैसा। कितने वर्षों तक महाराज दुख सहन किया है, और देखो जब दुख का समय आता है तो उस वन में न तो कोई पशु रहा, न कोई पक्षी रहा, सब छोड़ करके चले गए उस आश्रम को, है ना। तो जब दुख का समय आता है मेरे भाई, तो अपने ही अपनों को छोड़ करके चले जाते हैं। बनी बनी के लाखों यार होते हैं, पर जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। एक जरा सी बात पर वर्षों के याराना गए, डरना मत, कोई बात नहीं, गए तो जाने दो। एक जरा सी बात पर वर्षों के याराना गए, डरो मत, चलो अच्छा हुआ। क्या कुछ लोग तो पहचाने गए, मन में सोचो, कुछ लोग तो पहचान में आए छोटी सी बात में। डरने की जरूरत नहीं है, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, किसका कौन हुआ है, और कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। ये जिंदगी एक जुए की तरह, मेरे भाई कौन सी बाजी उल्टी पड़ेगी, इसका कोई हमें पता नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अहिल्या माता का भगवान ने उद्धार किया।